सोना मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मैं हूं ना। लेकिन इतराज ने ऐसा क्यों किया? हमें प्लीज छोड़े, आप ज्यादा बातें ना करें, डॉक्टर ने मना किया, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी आप अभी आराम करें, हम घर चल के इस बारे में बात करेंगे। आप जूस पियेंगी? मैं आपके लिए जूस लेकर आऊं। यकीन नहीं आ रहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अदनान ऐसा करेगा। अम्मी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। मेरी बच्ची, साहब आपका पार्सल मिल गया था मुझे और मैंने चेक कर लिया है, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। नहीं, मैंने खुद चेक किया है जी। अली साहब एक मिनट होल्ड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अली साहब ये आप जाहिर से बात करें, आप उसको डिटेल्स लिखवा दें जी, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। अम्मी उसकी कोई तबीयत खराब नहीं है, बल्कि दिमाग खराब हो गया उसका और हमारा भी कर देगी। मैं नहीं आ रहा, मरती है तो मर जाए, वैसे भी हमारी जिंदगी अजाब की हुई है उसने। अम्मी मैंने कहा ना मैं नहीं आ रहा, आप खुद ही उसे कोई गोली खिला दें, बल्कि बेहतर है कि जहर दे दें, जान छूटेगी हमारी। क्यों आए हो यहाँ अदनान? हम जिए या मरे उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ की परवाह थी ना, वो अब ठीक हो गई, तो जाओ अपनी खुशियां मनाओ, यहाँ क्यों आए हो? हमें हमारी जिंदगी की जंग लड़ने दो प्लीज। समरा जो मैं कहना चाहता हूँ मेरी बात, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी अदनान, चले जाओ यहाँ से। मेरी माँ इस वक्त जिस हालत में, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अभी तक वो मरी तो नहीं,
लेकिन अगर अब तुम्हें देखा ना तो वो जरूर मर जाएंगी। मुझे कम से कम आंटी से तो एक मरतबा मिलने दो। ऐसा नहीं हो सकता, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम जाओ यहाँ से इसी वक्त, प्लीज जाओ यहाँ से। सिम्बा प्लीज मेरी बात, अदनान यहाँ से चले जाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मिलेंगे हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ, मिलेंगे हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ, बस इंतजार है कब ये कमाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महार होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अदनान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हो? परफेक्ट, जबरदस्त। आंटी से मिलने आए होंगे ना आप? एक्चुअली मुझे कल ही फजर ने बताया, सारी आंटी अभी पिछले दिन हुई तो। हाँ हाँ वो। क्या बात है अदनान भाई, कुछ परेशान लग रहे हैं। आई नो कि आप आंटी से बहुत क्लोज हैं, प्रॉब्ली इसी वजह से। खैर तुम मिलो जाके, मैं चलता हूँ। अरे आते ना आप मेरे साथ, थोड़ी देर बैठ जाते। नहीं मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तुम मिलो मैं बाद में आऊँ। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की अनोखी रात होगी। अभी तो तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा भी हाल होना है। के अश्क रोकना जा का वबाल होना है। ऊपर वाले स्टोर में तो ये नहीं है, नीचे से जाकर लेके आनी पड़ेगी। मैं काम करो, इसे जल्दी से लेकर आ जाओ, मुझे देर हो गई है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और मैं ये मेडिसिन लेके आती हूँ। कैसे हो? ठीक। आंटी की तबीयत कैसे? पहले से तो बेहतर है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वही पुरानी बातें जिन पर किसी इंसान को भरोसा नहीं था। रिलैक्स करें, टेंशन ना लें। अच्छा पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुम आंटी के अलावा भी किसी बात से परेशान हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसे कुछ भी फील होगा। तुम अम्मी से नहीं मिलोगे? हाँ ऑफ कोर्स।
अम्मी तो सो रही हैं। अच्छा रेस्ट करने दो। तुम अभी तक अम्मी से मिले नहीं? नहीं आंटी रेस्ट करी है, मेरे ख्याल में डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। नहीं आई थिंक वो तुमसे मिलेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। रुको देखिए आपसे कौन मिलने आया है। कौन है? अदनान आया है। आंटी मैं आयान, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आप मुझे अदनान भी समझ सकते हैं, मैं भी तो नहीं। तुम अदनान नहीं हो, तुम अयान हो और अयान ही रहना, समझे?